वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 30 एंड 1 सितंबर अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का देखते हैं थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बिलीव इन यूर सेल्फ, है ना। क्या बोलना चाहता है, आज आप के हौसले की आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज आपके हौसले ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हौसलों का इतना मजबूत करो कि आप मंजिल खुद आपके पास आ जाएगी। क्या बात है, आज आपके हौसले ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हौसलों को इतना मजबूत करो कि आपकी मंजिल खुद आपके पास आ जाएंगे। बोलना क्या चाहता है, बिलीव इन यूरसेल्फ। देखो गाइज, अपन किसी और को आई लव यू बोलते हैं, मतलब अपन दूसरों को प्यार करते हैं। दूसरों को प्यार करते हैं इन द सेंस क्या है, दूसरों से अपन प्यार करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो लव के लिए लव चाहता है बट वो नहीं करता होगा तो क्या मतलब है इसके लिए। तो दैट्स व्हाई पहले खुद से प्यार करो, है ना। खुद से इतना प्यार करो कि दुनिया आपके पास आए। आप दुनिया के पास नहीं जाना चाहिए, आपके पास दुनिया आना चाहिए। मतलब लव योर सेल्फ, आपके मेंटल, फिजिकल और हर एक चीज को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपके पास लोग आना चाहते, चाहे आपसे बात करना चाहे लोग, आपके साथ रहना पसंद करे, तब जाके समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन पे जाना हो। और कोई चीज को पाना है तो आपको हौसला, आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कर सकते हो। आई कैन, आई विल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो। इतना खुद को स्ट्रांग बनाओ, इतना खुद को डिटर्मिनेशन बनाओ। देखो गाइज, ये जिंदगी है, सुख दुख तो आते रहते हैं। जिंदगी ये अपनी एक सागर की तरह होती है। सागर में कभी टर्बुलेंस आते हैं, है ना, कभी शांत हो जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं, आपको आपके हौसले को मजबूत करो और मंजिल को पाने की इच्छा रखो। क्या पता वो मंजिल आपके पास ही आ जाए, इतना हौसला रखना है गाइज। तो चलता है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 29 सितंबर 2022। विश्व हृदय दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 29 सितंबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया। तो क्या है थीम गाइज, तो उसका थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये थीम है किसका, वर्ल्ड हार्ट डे का, जो 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सनालिटी हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है गाइस राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र कुमार जी ये डायरेक्टर जनरल बने हैं कहां के, ईएसआईसी के, और ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल एजी फॉर इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में सितंबर 22 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया गाइज, तो उनका नाम है, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमानी। तो आर वेंकट रमानी ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं और इनको नियुक्त किसने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमानी है। ठीक है, और इसको नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। हमेशा याद रखना, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडिया सेकेंड चीफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए
जिसने हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है गाइज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये इंडिया के सेकंड नंबर के सीडीएस बने हैं। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको बताना है पहले सीडीएस कौन थे, इंडिया के पहले सीडीएस कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UNSDG एक्शन अवार्ड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों UNSDA एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता गाइज, उनका नाम है सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी ये इन्हें चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। किसने दिया? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। उनका नाम है सृष्टि बख्शी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीफो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है क्या? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है शीर्ष पर गाइज? तो उस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप में है और इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है इंडिया कौन से नंबर में है। वैसे ही आगे क्वेश्चन है बट आपको अभी बताना है इंडिया कौन से नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हाइक द रेपो रेट बाय 5.40% टू डैश। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.40% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो कितना कर दिया, कल की न्यूज है, कल बहुत ही बूम हुआ था कि एकदम से बैक टू बैक वो रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया ये बताना, क्या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया क्या? 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया क्या? तो कितना बढ़ के कितना हुआ गाइस? 5.40 बढ़ के कितना हो गया? 5.90%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रेपो रेट को बढ़ाया है। पहले कितना था? 5.40%, अभी कितना होगा? 5.90%। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था इसके पहले। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो कितने नंबर में है भारत? आंसर इज 40वें नंबर में। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया, वहां इंडिया 40वें नंबर में और फर्स्ट रैंक में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक्स हैज स्टार्टेड रोलिंग आउट 5.15 लाख माइक्रो ATMs इन फेज मैनर अक्रॉस द टायर 2 सिटीज एंड सेमी अर्बन रीजंस टू फैसिलिटेट द कैश विड्रॉवल फॉर इट्स कस्टमर? निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नगद निकासी का की सुविधा के लिए चरण 2 शहर और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख माइक्रो ATM शुरू कर दिया? तो ऐसा करने वाला कौन सा पेटीएम बैंक है? तो भारत का पहला पेटीएम बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और पेमेंट बैंक ये एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला है। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है क्या ये बताना है, न्यू दिल्ली में है क्या ये बताना है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक इसने स्टार्ट किया है 1.5 लाख माइक्रो ATMs पूरे भारत में टायर टू के सिटीज एंड सेमी अर्बन रीजन में। क्यों? क्योंकि वो ATM से अब वो लोग कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं उनके कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the only Indian named in the Times 100 Emerging Leaders list released in September 2022? सितंबर 2022 में जारी टाइम्स की 100 उभरते नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से एकमात्र भारतीय कौन था? तो कौन है एक ओनली वन इंडियन लीडर कौन है? तो उनका आंसर है गाइस आकाश अंबानी। ये मुकेश अंबानी के सन है आकाश अंबानी, रिलायंस के।
हाँ, रिलायंस इंडिया के चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, उनका सन है आकाश अंबानी। ये एकमेव इंडियन है जो टाइम्स 100 एमर्जिंग लीडर्स लिस्ट में आए हैं, आकाश अंबानी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द IIFL वेल्थ उरन इंडिया 40 अंडर द सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022? निम्नलिखित में से किसने IIFL वेल्थ उरन इंडिया 40 और सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है? तो किसने टॉप किया गाइस? तो उनका आंसर है निखिल कामत। निखिल कामत ये जीरोधा के को फाउंडर है और इनके जो एसेट है, संपत्ति है 17,500 करोड़ है, ऐसे बताया गया। और इन्होंने ही, निखिल कामत ने ही IIFL वेल्थ उरन इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में टॉप किया है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर में कौन है? भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर विल सेट अप अ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया टू डेवलप द कार्ल गुस्ताव M4 शोल्डर फायर वेपन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा निर्माता कार्ल गुस्ताव M4 शोल्डर फायर वेपन सिस्टम विकसित करने के लिए भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करेगा? तो कौन बना के देने वाला है? द आंसर इज, उनका नाम है साब। साब ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यही इंडिया में कार्ल गुस्ताव M4 सोल्जर फायर वेपन सिस्टम को बना के देने वाला है, साब, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लता सुर गाथा और लता लाइफ लाइफ इन म्यूजिक? लता सुर गाथा या लता ए लाइफ इन म्यूजिक नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है गाइज? तो उनके उनका नाम है इरा पांडे। इरा पांडे ये ऑथर है किस बुक के? लता सुर गाथा, और इसी को इंग्लिश में नाम दिया गया है लता ए लाइफ इन म्यूजिक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है गाइज कुमार सानू। कुमार सानू को रिसेंटली 2021 के नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी इकरा हैज मेंटेन इट्स फोरकास्ट ऑफ हाउ मच परसेंटेज ग्रोथ इन इंडियाज GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान पूर्वानुमान को बनाया रखा है? तो कितने परसेंट बोला है गाइस? तो उसका आंसर है 7.2%। तो 7.2% का GDP रहने वाला है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ऐसा बताया किसने? इकरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया गया? कब मनाया गया? द आंसर है उसका 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाया जाता है और उसका थीम है गाइस स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। क्या है थीम? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सॉल्यूशन कंपनी हैज पार्टनर विद SBI टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूडिंग द स्मॉल बिजनेसेस? निम्नलिखित में से किस ऋण समाधान कंपनी ने छोटे व्यवसायों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए SBI के साथ भागीदारी की है? तो कौन सा डेप सॉल्यूशन कंपनी गाइस? उस कंपनी का नाम है यूबी। यूबी ये डेप सॉल्यूशन कंपनी है, इसने MOU साइन किया है SBI के साथ और अब ये स्मॉल बिजनेस को भी क्या प्रदान करने वाले है? क्रेडिट प्रदान करने वाले, ऋण देने वाले, ठीक है, यूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाइड अप विद पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक PS
PSCB of Russia as India seeks to step up trade with the sanction nation. निम्नलिखित में से किस बैंक ने रूस के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक PSCB के साथ एक करार किया, क्योंकि भारत स्वीकृत राष्ट्र के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइस? तो उस बैंक का नाम है यश बैंक। अब रिसेंटली इंडिया का यश बैंक ने रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ टाइप किया, और ये क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो सेटअप करना चाहता है ट्रेड, ठीक है, क्योंकि वो सेटअप करना चाहता है ट्रेड अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस देश के प्रधान प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका, तो वो कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बने हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस दी डैश फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022। केंद्रीय शिक्षा और कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने डैश फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन और संबोधित किया। तो कौन से नंबर का ये फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 था? आंसर ये 13वें नंबर का था। 13वें नंबर का फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 को इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस किया किन्होंने? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसीव्ड द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर। तो सेबी ये कौन सी मार्केट रेगुलेटर है? कैपिटल मार्केट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और RBI मनी मार्केट, और सेबी कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो BSE हैज रिसीव्ड द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द EGR ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। EGR स्टैंड फॉर डैश। BSE को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने अपने प्लेटफॉर्म पर EGR शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। EGR का मतलब क्या है? तो क्या है गाइस EGR का फुल फॉर्म? उसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। तो अभी रिसेंटली BCO को अप्रूव मिला है, BSE को अप्रूव मिला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि किसके तरफ से अप्रूव मिला है? सेबी के तरफ से। सेबी एक कैपिटल मार्केट है, इनके तरफ से अप्रूव मिला है BSE को, है ना। सेबी का हेडक्वार्टर का है मुंबई में। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये कैपिटल मार्केट, इनको इनके तरफ से अप्रूव मिला है BSE को। अब ये अपने प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट भी रख सकते हैं, ये कायम अप्रूव मिला है। तो याद रखना BSE को किनके तरफ से अप्रूव मिला? सेबी की तरफ से। किस लिए अप्रूव मिला? कि उनके प्लेटफॉर्म में अब EGR भी दिखेगा, और EGR का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम वर्ल्ड डिफीटेड टीम यूरोप टू विन लेवर कप 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। लेवर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लेवर कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित गाइज? द आंसर इज टेनिस। अभी रिसेंटली टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराया, और ये कौन सा कप था? लेवर कप 2022। और लेवर कप 2022 से टेनिस से संबंधित है। जीता कौन? टीम वर्ल्ड। हरा कौन? टीम यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इनॉग्रेटेड द इथिकल हैकिंग लैब एट साइबर सिक्योरिटी सेंटर एक्सेलेंस। निम्नलिखित में से किस बैंक ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्ट केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो किस बैंक ने ऐसा किया है गाइस? तो उसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में एथिकल हैकिंग लैब ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल डिवोट एटलीस्ट $40 बिलियन
through 2025 to help the ease of worsening food crisis in Asia Pacific. निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया पैसिफिक में बिगड़ते खाद्य संगठन को कम करने की मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम $14 बिलियन का निवेश करेगा? तो कौन सा बैंक है ऐसा बोलने वाला करने वाला? आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी 2025 तक $14 बिलियन का निवेश करेगा। क्यों करेगा? जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पे फूड क्राइसिस को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिताची अस्तोमा हैज इंस्टॉल इट्स इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हिताची अस्तोमा ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो कौन से राज्य में किया है गाइस? द आंसर इज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पहली बार इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट इंस्टॉल करने वाले हैं। कौन करने वाले? हिताची अस्तोमा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे गाइस अपने टॉप 25 क्वेश्चन, है ना, 30 और 1 के दो दिन के। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। 25-25, 15-15, 10-10 क्वेश्चन रेगुलर याद करते जाओ, रट लो, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मेंस आपका इजी जाएगा। आपको पता है कि ये जो करंट अफेयर आ रहे हैं पूरे मेंस में बहुत ही डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो गाइस एक भी ऐसा स्कोप मत करो, लोगों को 8-10 मिल रहे हैं और आपने लीड कर दिए 20 मार्क का, तो आप तो अंदर हो गाइस। तो ऐसे ही बने रहो केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। किसे? केसीसी स्टडी सर्कल को। सब्सक्राइब कैसे करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।